7 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग से केवल 2 किलोमीटर दूर था। हम उसी दिन विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मून के सबसे चैलेंजिंग हिस्से साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को ऑपरेट करने वाली दुनिया की पहली कंट्री बन जाते। इसके बाद शायद चंद्रयान 3 में हम चंद्रयान 2 की तरह दोबारा से चांद के साउथ पोल पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश ना कर रहे होते, बल्कि चंद्रयान 3 एक इंसानी मिशन होता जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर जाते। पर चंद्रयान 2 के लैंडिंग फेलियर ने इसरो के ह्यूमन मून मिशन को 10 साल पीछे धकेल दिया। The communications from the lander to ground station was lost. जिसके चलते जो हिस्ट्री हम आज से 4 साल पहले बना सकते थे ना, हम उसके लिए दोबारा से काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ा श्योर कि आपके भी मन में आज चंद्रयान 2 का वह डर लगा रहता होगा कि कहीं चंद्रयान 3 के साथ भी कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि साल 2019 से आज तक इसरो ने कभी भी ये रिवील ही नहीं किया कि आखिर उस दिन चंद्रयान 2 को ऐसा क्या हुआ कि विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ भारत से 3,82,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जब नॉर्मली चंद्रमा की सतह के इतना करीब पहुंच गया, तो वहां चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके हिस्ट्री क्रिएट करने से केवल और केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर विक्रम का कम्युनिकेशन इसरो से कैसे टूट गया और आखिर क्यों विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। सक्सेस के इतना करीब आने के बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड ना करने की इस नाकामयाबी ने कई भारतीयों को रुलाया तो कईयों को डिसअपॉइंट किया। लेकिन तब से लेकर आज तक 4 साल बीत चुके हैं। इस दौरान कई बार इसरो के वैज्ञानिकों से विक्रम लैंडर के क्रैश होने की वजह पूछी गई, लेकिन उन्होंने भी हमें उन पुरानी थियोरीज और स्पेक्युलेशन से ज्यादा और कुछ भी नहीं बताया। मानो कि इसरो ये बताना ही नहीं चाहती कि विक्रम लैंडर के साथ आखिर उस दिन हुआ क्या था। लेकिन रिसेंटली इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में प्रदीप मेमोरियल कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज में एक लेक्चर के दौरान चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के क्रैश होने से रिलेटेड कई डीप और हिडन डिटेल्स शेयर की जो आज तक इसरो ने पब्लिकली पब्लिश नहीं की थी। इस लेक्चर में सोमनाथ सर ने चंद्रयान 2 के 100x100 लूनर ऑर्बिट से ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर के अलग होकर लैंडिंग इनिशिएट करने और उसमें होने वाले अलग अलग फेजेस से होकर गुजरने में हुई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और डिटेल्स से फाइनली चंद्रयान 2 के मून सरफेस पर क्रैश करने तक की पूरी पिक्चर को काफी डिटेल में समझाया है। और देखो ये डिटेल्स काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसरो की इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग विक्रम लैंडर के क्रैश होने की असली वजह कोई और नहीं बल्कि खुद इसरो ही है, जिन्होंने विक्रम लैंडर के प्रोग्राम में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगाई थी ना कि लैंडिंग के दौरान मून सरफेस के काफी करीब आकर विक्रम पूरी तरह 410 डिग्री तक रोटेट हो गया और इवेंचुअली सर के बल जाकर मून सरफेस से क्रैश हो गया। आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल और बारीकी से ये जानेंगे कि आखिर क्यों विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 22 अक्टूबर 2008 इसरो ने भारत के सबसे पहले लूनार प्रोब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। इस तरह भारत का चांद का सफर शुरू हुआ और इस पूरे प्रोग्राम को चंद्रयान नाम दिया गया, जिसका संस्कृत में मतलब होता है चंद्रमा का जहाज। चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने का ये भारत का पहला कदम था जिसे भारत ने आसानी से पूरा भी किया और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि केवल 1 साल में भारत का चंद्रयान 1 मिशन एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है जिसे कई डिकेड से चांद की कक्षा में मौजूद नासा या फिर दुनिया के किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने नहीं किया था। और वो हिस्टोरिकल डिस्कवरी थी चांद पर पानी की खोज। 25 सितंबर 2009 इसरो ने यह अनाउंस किया कि चंद्रयान 1 मिशन में भेजे गए ऑर्बिटर ने चांद के पोल्स के नीचे लार्ज अमाउंट में वाटर आइस की डिस्कवरी किया, जिसे नासा को कंफर्म करने में ही 3 मंथ्स लग गए थे। इसरो की इस अचीवमेंट को दुनिया भर में सराहा गया और भारत में भी इसरो की काफी प्रशंसा हुई। चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी शुरू हुई जिसमें भारत ने एक और चैलेंजिंग टास्क लिया, क्योंकि चंद्रयान 2 में अब भारत केवल ऑर्बिटर ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ लैंडर और रोवर भी भेजने वाला था, जिसमें विक्रम लैंडर का काम मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और उसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर का काम मून के साउथ पोल पर केमिकल एनालिसिस और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करके डेटा कलेक्ट करते हुए इसरो के साथ शेयर करना था। 22 जुलाई 2019 को भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से GSLV Mark III M1 रॉकेट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया।
ये उस समय भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट था, जो अप्रोक्सीमेटली 3850 किलोग्राम मास को अर्थ के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक आसानी से लेकर जा सकता था और इससे एक लॉन्च की कॉस्ट ही करीब 367 करोड़ रुपए थी। सो नाउ वी कम टू द जर्नी ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 भारत का सेकेंड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था, जिसे अभी तक का इसरो का हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन माना जाता है। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होने के बाद अर्थ के अराउंड सीरीज ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट पूरा करने के बाद एक स्लिंगशॉट से ये 14 अगस्त 2019 को लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में एंटर करता है। इसके बाद 20 अगस्त को ये लूनार ऑर्बिट इंसर्शन परफॉर्म करते हुए सक्सेसफुली चांद के इलेप्टिकल ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। चांद के इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी चंद्रयान कई दिन बिताता है और फिर फाइनली 2 सितंबर को ये अपने 100x100 के इलेप्टिकल ऑर्बिट में आने के बाद लैंडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जहां विक्रम लैंडर लैंडिंग अटेम्प्ट करने के लिए प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से अलग हो जाता है। 7 सितंबर 2019, विक्रम लैंडर धीरे धीरे अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट को चंद्रमा के और क्लोज करता जाता है। इस समय पूरे भारत में खुशी की लहर थी, क्योंकि अब हम इतिहास के पन्नों में चांद के साउथ पोल पर पहली बार लैंडिंग करके भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने के बस कुछ ही किलोमीटर दूर थे। पर जब विक्रम लैंडर चांद के 2 किलोमीटर/35 किलोमीटर के इलेप्टिकल ऑर्बिट में था, तभी कुछ अजीब हुआ और इसरो ने विक्रम लैंडर के कैमरा कास्टिंग फेज में दिखाई जाने वाली लाइव पॉडकास्टिंग में विक्रम लैंडर अचानक रुक गया। इन शॉर्ट, अब इसरो का संपर्क विक्रम लैंडर से अचानक टूट गया था। मुझे याद है कि उस दिन चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो दिन मेरे लिए काफी इमोशनल भी था। पर आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या? वो असली टेक्निकल एरर्स और डिटेल्स क्या थी जिनके चलते विक्रम लैंडर लैंडिंग करने में फेल हो गया? तो दोस्तों, लोकसभा में मोदी गवर्नमेंट द्वारा चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बारे में बताते हुए ये लिखा गया कि विक्रम लैंडर का फर्स्ट फेज इसरो के प्लान के मुताबिक एक्सपेक्टेड पाथ पर 7.4x30 किलोमीटर के ऑर्बिट में रहते हुए 1683 मीटर्स पर सेकेंड से स्पीड को 146 मीटर्स पर सेकेंड तक स्लो करने तक बिल्कुल सही चल रहा था। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट आसानी से अपनी वेलोसिटी को स्लो डाउन करके मून सरफेस के काफी करीब पहुंच गया था, जहां इसने अपने लैंडिंग के कैमरा कॉस्टिंग फेज में एंटर किया। पर इसी फेज में विक्रम का थ्रस्ट इतना ज्यादा था कि उसके वेलोसिटी इसरो द्वारा प्रेडिक्टेड वैल्यू से कई गुना ज्यादा थी, जिसके कारण विक्रम से इसी फेज में इसरो का कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया और वो अपनी वेलोसिटी को भी कम करने में नाकामयाब रहा, जिसके चलते इसरो द्वारा चुनी गई उसकी लैंडिंग जोन से विक्रम ने 500 मीटर्स की दूरी पर जाकर क्रैश लैंडिंग की, जहां कुछ समय बाद हमें इससे रिलेटेड कई एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिली, जिसमें यह बताया गया कि अपनी लैंडिंग के फाइनल फेज में मून की सरफेस के काफी करीब आकर अपनी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी को कम करने की कोशिश में विक्रम लैंडर 410 डिग्री तक घूम गया था, जिसके चलते ये काफी फास्ट स्पीड में मून सरफेस से टकरा गया, जिसमें विक्रम लैंडर और उसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर भी पूरी तरह से तबाह हो गया। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री का सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट था, जिसमें 4 सालों तक किसी के पास विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी सही टेक्निकल जवाब नहीं था। बट सोमनाथ सर द्वारा विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग की जो डिटेल्स दी गई है ना, अगर आपको उन्हें समझना है तो उसके लिए पहले आपको रॉकेट साइंस के कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझना होगा। तो देखो, किसी स्पेसक्राफ्ट को किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर उतारने के पूरे लैंडिंग प्रोसेस को 3 से 4 सेपरेटेड फेज में डिवाइड किया गया है। अगर हम चंद्रयान 2 मिशन की बात करें तो उसमें विक्रम लैंडर के लिए टोटल 4 फेज थे, जिसे अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए ग्राफ पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके अपने ग्राफ पे और ग्राफ को समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर देना चाहता हूं। देखो, कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब किसी सेलेस्टियल बॉडी पे लैंड करता है तो उस पे 2 तरह की वेलोसिटीज काम करती है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरा होता है वर्टिकल वेलोसिटी। तो इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो वाई एक्सिस है ना, ये एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऊंचाई को, और ये जो एक्स एक्सिस है ये लूनार सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ग्राफ में विक्रम लैंडर के 3 लैंडिंग फेजेस हैं, रफ ब्रेकिंग फेज, कैमरा कॉस्टिंग फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज। अब यहाँ पर आप जो है ये ट्रेजेक्टरी देख सकते हो, एक येलो कलर में है और एक डॉटेड रेड कलर में। ये जो येलो कलर का ट्रेजेक्टरी है ये असल में दिखाता है जो इसरो ने डिसाइड किया था,
जो एक्चुअल ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए थी। और ये जो रेड डॉटेड ट्रेजेक्टरी है इसको इसने एक्चुअल में परफॉर्म किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह में जब विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ उसके बाद रफ ब्रेकिंग फेज में घुसा तो यहाँ पे 10 मिनट 23 सेकंड तक ये रफ ब्रेकिंग फेज में रहा और फ्लाइट परफॉर्मेंस वाज नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल फेज में था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था और इतना चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो जैसे ही रफ ब्रेकिंग फेज से ये कैमरा कॉस्टिंग फेज में जाता है तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और यही वो जगह है जहाँ पर इसरो से इसका संपर्क टूट चुका था और इसके बाद हमें कुछ दिनों तक पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। इसके बाद में जब स्टडीज हुई तो बाद में ये पता चला कि इस फेज में पार करने के बाद ही ये अचानक से नीचे की ओर क्रैश लैंड कर गया था और लैंडिंग साइट से करीब 400 मीटर दूरी पर ये जाकर सीधा क्रैश लैंड कर गया था। जब चंद्रयान 2 मून के 30/100 ऑर्बिट में था तो रफ ब्रेकिंग फेज के शुरू होने के बाद इसके एल्गोरिदम को कई सारे टास्क एक साथ सिंक्रोनाइजेशन से परफॉर्म करने थे, जिसमें सारे कैमरास और सेंसर्स के प्रयोग से लैंडिंग साइट को ढूंढना और अपने थ्रस्टर्स, वेलोसिटी एंड ओरिएंटेशन को मेंटेन रखते हुए सेफ लैंडिंग परफॉर्म करना शामिल था। और ये टास्क किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट काइंड ऑफ ब्लाइंड हो जाता है। बट थैंकफुली विक्रम लैंडर में इसी फेज के लिए एक खास तरह का नेविगेशन सिस्टम कॉल्ड INS इंस्टॉल किया गया था। देखो चंद्रयान 2 के लैंडिंग एल्गोरिदम काफी क्लियर थे कि उसे बस अपने कोड के मुताबिक सेफ लैंडिंग, अपने वेलोसिटी और एल्टीट्यूड को मैनेज करके अपने थ्रस्ट को कंट्रोल करते हुए डिसाइडेड लैंडिंग जोन पर उतरना था और ये ऐसा करता भी। पर इसरो द्वारा विक्रम में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम में कई सीरियस गलतियां भी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, विक्रम लैंडर के मून पर क्रैश होने की असली वजह विक्रम लैंडर में इंस्टॉल किया गया प्रोग्राम और उस पर लगाई गई अनवांटेड लिमिटेशंस थी, जो अनजाने में लगाई गई या जानबूझकर ये अभी भी एक सवाल है। तो अकॉर्डिंग टू इसरो चीफ सोमनाथ, विक्रम लैंडर के प्रोग्राम में 3 बड़ी मिस्टेक्स हुई, जिसमें पहली सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि विक्रम लैंडर के कैमरा कास्टिंग फेज में मून सरफेस से 7-4 किलोमीटर बाद विक्रम लैंडर के थ्रस्ट को मैनेज करने का कंट्रोल विक्रम से ले लिया गया था। मतलब जो विक्रम लैंडर मून पर लैंडिंग कर रहा था ना, उसके पास कैमरा कॉस्टिंग फेज में अपनी स्पीड को स्लो और फास्ट करने का कोई भी कंट्रोल नहीं था, जिससे हुआ ये कि कैमरा कॉस्टिंग फेज में वेलोसिटी का कंट्रोल ना होने के कारण विक्रम लैंडर की स्पीड अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई और विक्रम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सका, जिसके चलते उसके सेंसर्स और उसकी स्पीड के बीच में कोलैबोरेशन टूट गया और विक्रम ने अपनी फास्ट स्पीड के कारण लैंडिंग जोन को मिस कर दिया। यहां पर भी चंद्रयान 2 के पास एक चांस था कि वो अपनी क्रैश लैंडिंग को रोक सके। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ पर समझाया कि लैंडिंग के दौरान कोई स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में 2 वेलोसिटी पर मूव करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसे वो अपने डाउन साइड में लगे थ्रस्टर से 90 डिग्री के आर्क पर रोटेट करते हुए कंट्रोल करता है। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, तो इस तरह से स्पेसक्राफ्ट अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी दोनों को मैनेज कर पाता है। इन शॉर्ट, वेलोसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के पास ये चांस था कि ये रोटेट करते हुए भी अपनी स्पीड को कंट्रोल करके उनके सरफेस पर लैंडिंग कर सके। लेकिन 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 यहां भी इसरो ने अपनी दूसरी बड़ी मिस्टेक कर दी, जिसने कंफर्म कर दिया कि चंद्रयान 2 मून की सरफेस पर क्रैश लैंडिंग ही करेगा। और ये मिस्टेक थी चंद्रयान 2 के रोटेशन में एक लिमिट लगा देना। तो देखो दोस्तों, हुआ ये कि इसरो ने अपने सिमुलेशन बेस्ड प्रोग्राम के बेस पर मिले रिजल्ट से विक्रम लैंडर के प्रोग्राम के अंदर 10 डिग्री पर सेकंड की आर्टिफिशियल रोटेशनल लिमिट लगा दी, जो कि इतनी ज्यादा थी कि अगर स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड को कम करने के लिए अपने ओरिएंटेशन को चेंज करते हुए रोटेट भी करे तो उसे एक पूरा रोटेशन करने में 30 सेकंड लग जाएंगे। अब जरा इमेजिन करिए, जो स्पेसक्राफ्ट मून सरफेस से केवल कुछ किलोमीटर की ऊंचाई से काफी हाई थ्रस्ट से चांद की सरफेस की ओर बढ़ रहा है, ऊपर से उसके पास ना तो थ्रस्ट का कंट्रोल है और ना ही वो अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है, ऊपर से अगर वो अपने रोटेशन में चेंज करके स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो उस पर भी 10 डिग्री पर सेकंड की आर्टिफिशियल लिमिट का एक बड़ा हर्डल है। इसीलिए लैंडिंग जोन को क्रॉस करने के बाद विक्रम लैंडर के पास कोई कमांड थी ही नहीं, ऊपर से इस लिमिट के कारण इतना समय भी नहीं बचा था कि वो अपना एक पूरा रोटेशन कर सके। विक्रम लैंडर ने अपनी पूरी कोशिश की, पर इसरो द्वारा लगाई गई लिमिट के कारण ना चाहते हुए भी मून के सरफेस पर लैंडिंग साइट से केवल 500 मीटर की डिस्टेंस पर क्रैश हो गया।
Now well, इसमें सच में इसरो की गलती है भी या नहीं ये मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग परफॉर्म करने का ये इसरो का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उस समय भारत के पास चांद की लैंडिंग से जुड़े होने वाले प्रॉब्लम्स और डेटा की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये जो पूरा एल्गोरिदम चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में डाला गया था ना, वो बस सिम्युलेशन पर बेस्ड था। और जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट साइंस में सिम्युलेशन डेटा एक्चुअल रियलिटी से कोसों दूर होता है, जो कि हमें यहां भी देखने को मिला। तो ये थी पूरी कहानी चंद्रयान 2 के क्रैश लैंडिंग की। चलिए अब एक बार देखते हैं कि क्या होता अगर चंद्रयान 2 सक्सेसफुली चांद पर लैंडिंग कर जाता तो। तो अगर विक्रम लैंडर कैमरा कॉस्टिंग फेज को पार कर लेता तो उसके बाद उसके अगले फेज यानी कि फाइन ब्रेकिंग फेज की शुरुआत होती, जहां मून सरफेस से 400 मीटर की ऊंचाई पर रहते हुए ये अपनी स्पीड और थ्रस्ट को कंट्रोल करते हुए अपनी लैंडिंग साइट की ओर जाता, और अगर सब कुछ सही होता तो ये तुरंत वहां पर उतर जाता, नहीं तो अपने बचे हुए फ्यूल और दूसरे रीजंस के अकॉर्डिंग एक दूसरी लैंडिंग साइट को ढूंढ लेता। चलिए जो भी हो, अब उसे भूल जाते हैं, अब आने वाले फ्यूचर पर ध्यान देते हैं। तो हमने अभी तक ये समझा कि चंद्रयान 2 में क्या मिस्टेक्स रही, लेकिन क्या हमने चंद्रयान 2 में की गई मिस्टेक्स से कुछ सीखा? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हमने चंद्रयान 2 में की गई मिस्टेक्स में से इतना कुछ सीखा है कि अब इसरो इस बात को लेकर पूरी कॉन्फिडेंट है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ही। चलिए जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 में ऐसे कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं जिसने इसकी लैंडिंग को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। नंबर 1, चंद्रयान 3 के लैंडर में किए गए सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोग्राम में लैंडिंग का एक बड़ा मैप इंस्टॉल किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडिंग जोन से करीब 2 गुना है, जिससे चंद्रयान 3 के लैंडिंग जोन को मिस करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और इसके इस जोन के अंदर सॉफ्ट लैंड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, चंद्रयान 3 में किया गया दूसरा सबसे बड़ा फिक्स ये था कि इसमें लैंडर के कंट्रोल को लॉक नहीं किया गया, बल्कि इसमें लैंडिंग फेज के हर एक जोन में विक्रम के पास थ्रस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट है, जिसके चलते वो डायरेक्ट अपने प्रोग्राम के अनुसार सिचुएशंस को देखते हुए अपने थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकता है, इन शॉर्ट अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, जो चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग की सबसे बड़ी वजह बनी थी, जिसे इस बार फिक्स कर दिया गया है। नंबर 3, चंद्रयान 3 के लैंडर में किया गया तीसरा सबसे बड़ा चेंज ये था कि यहाँ पर विक्रम लैंडर की रोटेशन पर सेकंड की जो आर्टिफिशियल लिमिट 10 डिग्री पर सेकंड थी ना, अब उसे चंद्रयान 3 में बढ़ाकर 25 डिग्री पर सेकंड कर दिया गया है। यानी अब अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्पीड ज्यादा भी रही तब भी वो काफी तेजी से रोटेट करते हुए अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकेगा। नंबर 4, इसके अलावा चंद्रयान 3 में कई और बड़े चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि इसके लैंडिंग सेंसर्स में वेलोसिटी मीटर, लेजर अल्टीमीटर, हजार्ड अवॉइडेंस सेंसर जैसे कई सेंसर्स को ऐड किया गया है, जिनके चलते अगर इस बार विक्रम लैंडर चंद्रमा की सरफेस पर एक हार्ड लैंड भी करे तब भी ये क्रैश नहीं होगा, और इसके साथ इसके लेग्स की थिकनेस भी बढ़ाई गई है ताकि किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में हार्ड लैंडिंग के बावजूद भी चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर सही सलामत रहे। 5वां सबसे बड़ा बदलाव ये था कि इस बार चंद्रयान 3 के किसी अनवांटेड सिचुएशन के लिए मल्टीपल मिशन पाथ तय किया गया है, जो ऑलरेडी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में इंस्टॉल किया जा चुका है। इससे हुआ ये कि अगर किसी सिचुएशन में चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग जोन से आगे निकल भी जाता है तब भी वो एक नए पाथ को चुनकर एक नई लैंडिंग साइट ढूंढेगा, या फिर समय ना होने पर वहीं पर एक लैंडिंग परफॉर्म कर लेगा। इन शॉर्ट, चंद्रयान 2 बेशक किसी भी गलती या फिर किसी भी मिस्टेक्स के कारण क्रैश किया हो, लेकिन अब हम उससे इतना कुछ सीख चुके हैं ना कि हम चंद्रयान 3 को लेकर इतने कॉन्फिडेंट बन गए हैं कि चंद्रयान 3 आने वाले 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रचने वाली है, जिस हिस्ट्री को हम सभी एक साथ बनते हुए देखेंगे और अपने तिरंगे को विक्रम लैंडर के रूप में मून पर लहराते हुए देखेंगे। उस समय भी हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग और रोवर द्वारा साउथ पोल पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप उस वीडियो को मिस ना करो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इसके अलावा एक्स्ट्रा अपडेट्स और नॉलेज के लिए और मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।